हाय गाइस, तो आज है संडे। एक्चुअली कल रात में लेट सोए थे, मैं लेट सोई थी, तो हम लोग सीरीज़ देख रहे थे। मैं वीडियो देख रही थी, सीरीज़ देख रही थी, और उसके बाद जब मैं सुबह उठी हूँ तो फटाफट से मैं फ्रेश हुई हूँ, नहाई हूँ अभी, मेरा मिल्क रेडी हो रहा है और बस मैं फटाफट से निकलने वाली हूँ। तो हम लोग सुबह उठते से ही विव्याना पहुँच रहे हैं, क्योंकि विक्की के शूज़ देखना है एज यूजुअल। और मैंने पहना हुआ है ये वाला टॉप एंड दिस स्कर्ट। एक्चुअली जब मैं टॉप पहनती हूँ ना, तब मैं ऐसे पूरा फैलारा मचाती हूँ सारे ये, क्योंकि मेरे सारे टॉप्स इसके अंदर रहते हैं फोल्ड होकर के, तो मैं ये निकालती हूँ। पहले मैं ये वाला टॉप पहनने वाली थी, अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ज़ारा के जो एक्सपेंसिव वाले टॉप्स होते हैं ना, वो मैं जनरली नहीं लेती हूँ। मैंने एक बार लिया था, 1200 का था, 1200 भी फिर भी एक्सपेंसिव ही है यार, तो 1200 का लिया था। तो वो टॉप हार्डली मैंने एक बार पहना, मैं यहाँ पे पिक्चर लगाऊंगी, एक बार पहना था, सिर्फ इसी दिन पहना था, और उसके बाद जब मैंने निकालने के लिए पहना, तो उसमें यहाँ पर ना ऐसे होल्स हो गए थे छोटे छोटे से। तो ये वाला ब्लैक टॉप मैंने लिया था, ये है 1590 का था, और ये मुझे मिला था 590। तो जो भी टॉप मुझे इस रेंज के मिल जाते हैं ना, 590 इसकी लास्ट रेंज है, उससे आगे मैं जाती ही नहीं हूँ। तो वो वाले टॉप्स मैं ले लेती हूँ, और ये ब्लैक कलर का टॉप है, और आगे डिटेलिंग है। अभी मैं ये पहनने वाली थी इसके साथ, बट फिर मैंने सोचा ये पुराना वाला जो टॉप है ये मैंने ज़्यादा पहना नहीं है, तो दैट्स वाई सारे टॉप्स निकाल करके अब मैं चेक करती हूँ मेरे पास क्या क्या कलेक्शन है, और उसमें से निकाल निकाल के पहन रही हूँ। तो मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, और रेडी होने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो हम लोग निकल रहे हैं, मतलब पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, विव्याना हम लोग जा रहे हैं, तो विक्की गए एज यूजुअल शूज देखने के लिए। हम लोग फिर से आ गए हैं नॉर्दर्न तड़का। ओके, लास्ट में हम लोग होम सेंटर में गए टू सी द कलेक्शन, क्योंकि दिवाली आने वाली है, तो माइट बी पॉसिबल, क्योंकि स्टोर तो काफ़ी भरा भरा लग रहा था, बट उनने कुछ भी नया और एकदम हटके कुछ नहीं निकाला है। वही सब गोल्डन एंड वाइट का वेरिएंट लेकर के आ गए वो लोग, गोल्डन ही गोल्डन में थोड़े बहुत डिज़ाइंस के सिर्फ चेंजेस कर दिए हैं। देन जो फ्लावर्स थे, जो भी मैं जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी होम सेंटर में, वही सब फ्लावर्स की वेराइटी वही रिपीट करा है, मतलब फ्लावर्स भी इवन उन्होंने चेंज नहीं करे, वही सब है जो पहले था। तो यू नो, अभी तो ये मुझे बहुत ही बोर लग रहा था, मतलब नथिंग न्यू। आप अगर सोचो कि हम कुछ, क्योंकि मैं रेड थीम भी अपने घर में कर चुकी हूँ, मैं गोल्डन कर चुकी हूँ, और मैं टर्कोइज तीनों कर चुकी हूँ, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर फ्रॉम होम सेंटर, बट होम सेंटर में वही सब कुछ घिसा पिटा था। बाकी कुछ चीज़ें थी जो नई आई है, जैसे कि फ़ोटो फ्रेम्स और ये सब मुझे थोड़ा बहुत नया लग रहा था, एंड उसके बाद ये सब भी पुरानी ही चीज़ें हैं। बट लिटरली आई वॉज यू नो एक्सपेक्टिंग अ लॉट दिस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा था शायद लास्ट टाइम उन्होंने नहीं किया, तो शायद इस बार दिवाली पे कुछ नया कलेक्शन आएगा, तो कुछ भी ऐसा नया कलेक्शन तो अभी तक फिलहाल नहीं आया। इवन हमने उन लोगों से पूछा भी कि कुछ आने वाला है क्या, तो उन्होंने बोला ये सब आ चुका है। तो उन्होंने क्या किया, टर्कोइज में ही अलग अलग तरह से डेकोरेट करके कर्टन्स निकाल दिए हैं, वेरियंट निकाल दिए हैं अलग अलग, तो बट इन लोगों का जो बेस कलर है वो एट दी एंड सेम ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कर्टन्स तो, ये तो सब मैं 1.5 साल से देख रही हूँ, ये सेम कर्टन्स है, एक भी कर्टन नया नहीं आया, मतलब लिटरली एक भी कर्टन नया नहीं आया। फर्नीचर की रेंज में अगर देखा जाए तो फर्नीचर इन लोगों ने काफ़ी सारा फोल्डिंग फर्नीचर लेकर के आए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। हमारे पास जो एक छोटा टेबल है, 2 सीटर डाइनिंग टेबल जो हम लेकर के आए थे बटरफ्लाई स्टाइल में, तो इस बार इन लोगों का जो भी फर्नीचर आया है वो सब फोल्डेबल बटरफ्लाई स्टाइल में ही आया है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। और थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ली हैं कुछ, तो वो मैं आपको घर चल के दिखाती हूँ। Hey guys, तो
हमारा लंच भी हो गया और इस बार मैंने तो बहुत ज्यादा नॉर्दर्न तड़का में बहुत ज्यादा बाहर खा लिया है, तो चाइनीज वगैरह नहीं, बट ये भी एट दी एंड बाहर का ही होता है, तो अब थोड़ा कंट्रोल कर लूंगी मैं, क्योंकि मैंने 15 डेज के अंदर अंदर काफी सारी बार नॉर्दर्न तड़का, 2-3 बार हो गया मेरा पास खाने. एक्चुअली ना नॉर्दर्न तड़का में, आई डोंट नो इफ यू आर अ यू नो नॉर्थ फूड लवर और ऐसा, तो आपको ना अगर पनीर वगैरह पसंद है, बिकॉज मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो ऑब्वियसली हमारे लिए तो भाई पनीर और झोले बेस्ट वो होता है, बट उसमें भी टेस्ट होना चाहिए. तो नॉर्दर्न तड़का में पनीर लबाबदार करके मिलता है, यम्मीएस्ट, मतलब यम्मीएस्ट. मैं अपन एक और उसके विव्याना के सामने वाला क्या है, उत्सव, हाँ, 2-3 और रेस्टोरेंट्स हैं वेज रेस्टोरेंट जहाँ पर खाना बहुत नो डाउट बहुत टेस्टी मिलता है, उन सब में अगर मैं रेटिंग करूँ ना, तो आई थिंक नॉर्दर्न तड़का का पनीर लबाबदार इतना ज़्यादा टेस्टी है कि आप एक्स्ट्रा रोटीज खा के आते हो, मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी है. तो हम लोगों ने वही खाया अभी भी, हम जबकि मेरा डोसा खाने का मन था, बट जब वो ऑप्शन सामने आया तो मेरे को डोसा होसा गया तेल लेने, मैंने वही खाया, रोटी वोटी एंड ऑल दैट. और अब हम लोग निकल रहे हैं घर, वेजिटेबल्स भी हम लोगों ने ले लिया है, वो दिख रहा है आपको डीमार्ट का बैग, तो उसमें हम लोगों ने सब्जियां भी खरीद लिया है, यहीं से रास्ते में अच्छी सब्जियां दिख रही थी, तो अब मैं घर जा रही हूँ. मैंने होम सेंटर से भी कुछ चीज़ें खरीदी हैं घर के लिए, तो मिनीसो होम सेंटर सबका जो हॉल होगा ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैंने इंक्लूड किया तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंक्लूड करूंगी. घर जाने के बाद, फ्रेश फ्रेश होने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, चलते हैं. ओके गाइस, सो आई गॉट फ्यू थिंग्स फ्रॉम होम सेंटर, और मेरी जो साड़ी है वो भी इसी के अंदर रखी हुई है, जिसका मैं कलर नहीं दिखा सकती, और इसके अंदर मिनीसो का सारा सामान रखा हुआ है. वो सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब इसके जो बाद व्लॉग होगा जो मैं शूट करूँगी, उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वो आप चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कि बहुत सारा सामान खरीदा है मैंने मिनीसो से. वैसे तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ इवनिंग स्नैक, तो इवनिंग स्नैक में मैं ढोकले बनाने वाली हूँ. लास्ट जो मेरा वीडियो था जिसमें मैंने ढोकले शेयर किया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी, मैं एक बार शेयर कर चुकी हूँ अपने ढोकले की रेसिपी, बट माइट बी पॉसिबल वो बहुत पुराना वीडियो था, तो शायद आप लोगों ने नहीं देखा, तो मैं अभी अपने ढोकले की जो रेसिपी है बहुत क्विक 5 मिनट्स में ढोकले बनते हैं मेरे यहाँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ. एंड बाय द वे, दिस इज़ माई न्यू नेल पेंट, और ये अगर आपको याद हो तो जिस तरह से मैंने एक्सटेंशंस कराया था, ये सेम मैंने वही पैटर्न में कलर लगाया है अपने नेल्स पे, एंड इट इज़ लुकिंग रियली प्रिटी. सो यस, और अभी मैं फटाफट से ढोकले बनाती हूँ, और उसकी जो रेसिपी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. सो या, तो खमन ढोकला बनाने के लिए मैं मार्केट का ये गेट्स वाला पैकेट ही यूज़ करती हूँ, इससे माइक्रोवेव में भी बहुत इजीली बन जाता है, एंड कुकर रेसिपी भी बहुत इजीली बन जाती है, तो जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं ये दो लोगों के लिए ठीक रहता है. तो इसमें मैंने 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डाला है, और अब मैं वाटर डाल रही हूँ, तो कोई एज सच मेजरमेंट नहीं है, इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको अभी शो करूँगी, तो इस तरह की कंसिस्टेंसी में हमको इसको ले करके आना रहता है. और इसको आपको एक ही डायरेक्शन में, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमा रहे हैं तो आपको वैसे ही करना है, एंड अगर आप एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो आपको एंटी क्लॉकवाइज ही करना है, इसकी डायरेक्शंस चेंज नहीं करना है. तो इस तरह की कंसिस्टेंसी, अब ये थोड़ी थिक लग रही है मुझे, तो मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी और कंसिस्टेंसी हल्की सी लिक्विडी करूँगी, तो ये इतनी कंसिस्टेंसी में होना चाहिए. अब यहाँ पर मैं एक कुकर लूँगी और उसमें वाटर फिल करूँगी, और इसके अंदर इस तरह से मैंने ये स्टैंड रख दिया है, ये जनरली नॉ किसी भी स्टील के शॉप में आपको मिल जाएगा. और अब हम इसको हल्का सा प्री हीट करेंगे, और प्री हीट करने के बाद इसके अंदर ये इस तरह से कंटेनर रख देंगे, और अब हम इस कुकर को बंद कर देंगे. तो 10 मिनट्स के लिए आपको मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है, और बीच में हम चेक भी करेंगे इसको कि ये कितना हो गया है. तो जब तक वो हो रहा है तब तक हम हमारा तड़का रेडी करेंगे. तो यहाँ पर एक छोटा पैन लिया मैंने, उसमें ऑयल लिया है, और यहाँ पर मैंने तिल के जो बीज होता है ना, तिली जो होती है ना, वो ली है, एंड देन उसके बाद मैं ये राई मैंने ऐड करी है. तो अब जब तक ये थोड़ा सा 2 मिनट तक इसको पकने देंगे, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर करी लीव्स ऐड करेंगे, और थोड़ी सी ग्रीन मिर्ची ऐड करूँगी मैं, और अगर आप थोड़ा तीखा खाते हैं तो आप रेड जो चिली पाउडर है वो अलग से ऐड कर सकते हैं, तो अच्छा टेस्ट आता है. तो मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर जो है वो अलग से ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा इसको 2 मिनट तक भूनने देंगे, एंड देन उसके बाद गैस को बंद करके इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे. तो गैस को बंद करके पानी ऐड करिएगा, अदरवाइज आग लग जाती है, तो वो मुझे थोड़ा डर लगता है, इसलिए मैं गैस बंद करके
देन अगेन गैस ऑन करके मैं इसमें थोड़ा सा शुगर डालूंगी और थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी और हमारा जो ये तड़का है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तब तक हम चेक करेंगे कि हमारा जो ढोकला है वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसको चेक करने के लिए आपको ऐसे नाइफ चला के देखना है। तो एक एरिया से हो गया है क्योंकि नाइफ में कुछ भी नहीं लगा है, बट इस तरफ से नहीं हुआ है क्योंकि नाइफ में जो ढोकले का बैटर है वो आ रहा है। तो अभी हम इसको थोड़ी देर और होने देंगे। आपको ध्यान रखना है कि कुकर में वेसल नहीं लगाना है, बिना वेसल के ही इसको लगा के रखना है। तो 5 मिनट्स और इसको रखने देंगे। अब ऊपर का जो आप देख रहे हैं बहुत सारी नाइफ मैंने इसमें अंदर पिंच करा हुआ है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, हम वैसे भी इसको उल्टी डायरेक्शन में निकालने वाले हैं। तो उसके बाद हम इसके जितने भी साइड्स कॉर्नर हैं उसमें नाइफ चलाएंगे जैसे मैंने चलाया है उस तरह से, एंड देन उसके बाद थोड़ी देर इसको छोड़ दीजिए ऐसा, और बहुत ईजिली ये बाहर आ जाएगा। हमने जबकि ऑयलिंग नहीं करी थी उसके बावजूद ये बहुत ईजिली बाहर आ गया है, एंड यू कैन सी दैट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में ये ढोकला बना है और एकदम शेप में आया है। तो अभी तो क्योंकि मैं इस, आप जब सर्व करते टाइम दूसरी प्लेट में इसको ज़रूर शिफ्ट कर लीजिएगा, और जिस भी शेप में आप इसको कट करना चाहते हैं उस शेप में आप इसको कट कर सकते हैं, और आपका जो तड़का है वो आप इसके ऊपर डाल दीजिए। और तड़के में आप कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी डालना चाहते हैं सो यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप कोरिएंडर लीव्स भी डाल सकते हैं एट दी एंड। गाइज़ तो डिनर विनर हो चुका है हम लोगों का, और मैं एक्चुअली शाम को मूवी देखने चली गई थी, मतलब 7 o'clock की मूवी थी। तो हम लोगों ने आर्टिकल 375 मूवी देखी, अमेजिंग मूवी, मस्ट वॉच। और आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को मीशो के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मीशो क्या है। मीशो बेसिकली इंडिया का लार्जेस्ट रीसेलिंग ऐप है, तो इसमें आप अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस ओपन कर सकते हैं मीशो के थ्रू। आपको कुछ फिजिकल शॉप की ज़रूरत नहीं है, कोई सामान की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करना है, डाउनलोड करना है, जो भी प्रोडक्ट्स आपको पसंद आते हैं वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करना है, और जो भी प्रोडक्ट आपके लिंक के थ्रू शॉप किए जाएंगे आपको उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मिलेगा। डिटेल वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए रहेंगे, आप वो देख सकते हैं, मैं पहले इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। तो दैट्स इट फॉर माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।